यस ओ ओके, अब आई कैन हियर यस यू. आई सी या नमस्कार, मैं मधु खरे वर्जीनिया अमेरिका से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का कार्यक्रम है गजलों की शाम, और ये युगानुगुंज मंच पर ये पहला कार्यक्रम हो रहा है जिसमें हमारे साथ दो बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार जुड़े हुए हैं। तो आप सबका मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और निवेदिता चक्रवर्ती जी, जो कि हमारे साथ इस समय नहीं जुड़ी हैं पर वो बैकग्राउंड में हैं, और उनका मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ जिन्होंने हमको ये जिम्मेदारी दी है इस कार्यक्रम को मॉडरेशन के लिए। एंड सो बहुत बहुत धन्यवाद निवेदिता जी आपका। और कार्यक्रम को शुरू करने के पहले मैं ये भी कहना चाहूंगी कि अमित जी, जो कि डैलस टेक्सस से हमारे साथ जुड़े हैं, उनको कुछ ऑफिशियल काम है तो उसकी वजह से वो थोड़ा आधा घंटा तक हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तो सबसे पहले हम उन्हीं के सारे गीत सुन लें, गजल सुनेंगे, और उसके बाद रागिनी जी को हम आमंत्रित करेंगे। तो अमित जी, आपके बारे में मैं दर्शकों को कुछ बताना चाहती हूँ जी, जी, आपका परिचय देना चाहती हूँ। तो ये अपनी मदर से, इन्होंने अपनी संगीत शिक्षा की यात्रा शुरू हुई, इनकी मदर आदरणीय सुनीति केलकर जी ने इनको शिक्षा दी बचपन से, और इन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी करने के लिए ये यूएसए आए, और पीएचडी के साथ साथ में इन्होंने अपनी म्यूजिक यात्रा भी जारी रखी। यूएसए में शिक्षा लेते रहे बहुत ही प्रसिद्ध शिक्षक से, संजीव अभ्यंकर जी, राइट? नहीं, पंडित मोहन कुमार दरेकर, जी 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 उनसे पंडित शिक्षा मोहन ली. कुमार दरेकर से इन्होंने स्काइप के थ्रू अपनी शिक्षा जारी रखी थी। जी, और ये डैलस में मेट्रोप्लेक्स में काफी इनके कार्यक्रम होते रहते हैं, तो बेसिकली बिल्कुल बिल्कुल प्रोफेशनल सिंगर हैं। तो हम लोगों का बिल्कुल ये बिल्कुल. सौभाग्य है कि आज वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अमित जी आपका, थैंक यू. और आप अपना पहली पहली गजल पेश करिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया मधु जी, मुझे इस मंच पे स्वागत बुलाने है के अमित लिए. जी। थैंक यू वेरी मच रागिनी जी, मैं आभारी हूँ आप सबका मुझे इस मंच पे बुलाने के लिए, और मैं एक दो गज़लें आपके सामने पेश करना चाहूँगा. बढ़िया, पहली गज़ल जो है वो बहुत ही फेमस गज़ल है, लिखी हुई फैज़ अहमद फैज़ साहब ने लिखी हुई गज़ल है. आपकी याद आती रही रात भर, चांदनी दिल दुखाती रही रात भर. बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। गाह जलती हुई, गाह बुझती हुई, गाह
जलती हुई गाह बुझती हुई शम्मे गम झिलमिलाती रहे रात भर शम्मे गम झिलमिलाती रहे रात भर आपके याद आते रहे एक उम्मीद से दिल बहलता रहा एक उम्मीद से दिल बहलता रहा एक तमन्ना सताती रहे रात भर एक तमन्ना सताती रहे आपके याद आते रहे याद के चांद दिल में उतरते रहे याद के चांद दिल में उतरते रहे चांदनी जगमगाती रहे रात भर चांदनी जगमगाती रहे रात भर आपकी याद आती रहे कोई दीवाना गलियों में फिरता रहा कोई दीवाना गलियों में फिरता रहा कोई आवाज आती रहे रात भर कोई आवाज आती रहे रात भर आपकी याद आती रहे रात भर चांदनी दिल दुखाती रहे रात भर आपकी याद आती रहे बहुत बहुत शुक्रिया वाह बिल्कुल बहुत सुंदर अमित जी आपकी आवाज में एक कशिश है जो कि गजल के लिए बहुत जरूरी है और आप मजा आ गया आनंद आ गया बहुत सुंदर और हमारे साथ बहुत सारे श्रोता जुड़े हुए हैं इस समय तो सविता मित्तल दीदी वर्जीनिया की निवासी है इस समय इंडिया में है वो उनको बहुत पसंद आई आपकी पेशकश और इंदु मेहत्रा जी कह रही है वेरी मेलोडियस निवेता श्रीवास्तव बेहतरीन गायकी कल्पना केलकर जी जुड़ी हुई आपकी पत्नी और अनुराधा सैनी कुलभूषण चौधरी विभा जैन जी तो बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जिसने जिन सभी ने आपके गजल की बहुत बहुत तारीफ की है बहुत बहुत तो और डॉक्टर हरीश नवल जी भी साथ में जुड़े हैं बहुत बड़े व्यंगकार साहित्यकार तो आपका सभी का सभी श्रोताओं को धन्यवाद और स्वागत है आप सभी का तो अमित जी वी कैन नॉट वेट फॉर योर नेक्स्ट प्रेजेंटेशन जी जी अगली मेरी जो पेशकश है
वो कैसरुल जाफरी जी ने लिखी हुई है गज़ल, आप सब ने सुनी होगी। काफ़ी सारे कंपोजर्स और सिंगर्स ने ये अलग अलग ट्यून्स में कंपोज करके भी गाई हैं, लेकिन मैं जो ओरिजिनल उनकी उसकी जो ट्यून है यमन कल्याण राग पे बेस्ड जो थी उसे पेश करूँगा। गज़ल है तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूँ अगर बुरा ना लगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा न लगे। तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा न लगे। तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे। तुम्हारे बस में अगर हो तो भूल जाओ मुझे, तुम्हारे बस में अगर हो तो भूल जाओ मुझे, तुम्हें भुलाने में शायद मुझे ज़माना लगे, तुम्हें भुलाने में शायद मुझे ज़माना लगे, मैं एक शाम चुरा लूँ अगर बुरा न लगे। तुम्हारे शहर का मौसम बहुत बढ़िया शेर है ये। जो डूबना हो तो इतने सुकून से डूबो, जो डूबना है तो इतने सुकून से डूबो, के आस पास की लहरों को भी पता न लगे, के आस पास की लहरों को भी पता न लगे, मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा न लगे। न जाने क्या है किसी की उदास आँखों में,
न जाने क्या है किसी की उदास आँखों में, वो मुँह छुपा के भी जाए तो बेवफा न लगे, वो मुँह छुपा के भी जाए तो बेवफा न लगे। मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा न लगे, तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, बड़ा सुहाना लगे। बहुत बहुत शुक्रिया, लाजवाब, अति सुंदर, क्या कहूँ, बहुत ही मनभावन आपकी गायकी है और दिल को छूती है, एक एक शब्द को आपने जैसे जिया, इतना अच्छा गाया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और एज यूजुअल हमारे दर्शकों को भी बहुत पसंद आया है, राधिका राव जी जुड़ी हुई हैं, ऑसम कह रही हैं, पूनम शर्मा जी कह रही हैं वाह बहुत सुंदर, अनुराधा सैनी, गजल के साथ साथ आपकी गायकी भी बहुत उम्दा है, उनका कॉमेंट है, निवेदिता श्रीवास्तव कह रही हैं मज़ा आ गया। तो बहुत सारे श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस समय और सभी आनंद ले रहे हैं आपके गजलों का। तो ऐसी ही एक और पेशकश हम लोगों के सामने प्रस्तुत करिए, अमित जी आपका स्वागत है। अगली जो गजल है वो उसे भी कई लोगों ने गाया है और कई अलग अलग कॉम्पोजिशन में गाया है, लेकिन जो मुझे सबसे पसंद है इसकी कॉम्पोजिशन, बहुत पुरानी उस्ताद मेहदी हसन जी ने कंपोज की थी, वो शायद काफ़ी लोगों ने सुनी नहीं है, तो वो एक उसकी एक झलक पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। बहुत स्वागत है आपका। मिश्र शिवरंजनी में कंपोजिशन हुई है इसकी।
चारागरी बीमार ये दिल की रस में शहरे हुस्न नहीं रस में शहरे हुस्न नहीं वरना दिल भर नादा भी इस दर्द का चारा जाने है हाल हमारा जाने है पता पत्ता बोटा बोटा और आपने सब ये तो सुनी होगी तर्ज पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं पत्ता पत्ता जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने हैं पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं पत्ता पत्ता। काफी लोगों ने ये गाई है गजल, लेकिन जो लता जी की आवाज में जो हरकतें आती है और जो दर्द आता है वो शायद ही किसी की आवाज में आता है। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। और आपने दोनों अपना जो सुना रहे थे ओरिजिनल, जो कि हम सब ने नहीं सुना है वो वर्जन, और दूसरा वर्जन भी सुना दिया जो हम लोग फेमिलियर हैं उससे, तो दोनों का कंपैरिजन मतलब देर इज अ ह्यूज डिफरेंस राइट। बहुत ही आनंद आया, और अभी भी सभी दर्शक बहुत ही तारीफ कर रहे हैं, कुछ नए लोग जुड़ गए हैं। निशि सिंह जी नमस्कार कह रही है, वाह वाह। पूनम शर्मा जी हैं, अनुराधा सैनी हैं, निवेदिता श्रीवास्तव लगातार जुड़ी हुई हैं, और बहुत सुंदर कमेंट दिया था जो अब ऊपर चला गया, मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ उसे। और विजया ठाकुर जी भी जुड़ी हैं, सभी आपकी गजलों की तारीफ कर रहे हैं, आपकी तीनों प्रस्तुतियां एक से एक बढ़ के शानदार रही हैं। तो अभी तो आपके पास समय है, एक और हो सकती है आपको दस। हाँ ठीक है, धन्यवाद। एक और मैं पेश करता हूँ, ये तो सबसे पॉपुलर गजल है अहमद फराज की, सभी ने सुनी होगी ये, लेकिन इसके अंदर एक दो नए शेर पेश करूंगा मैं जो शायद आपने सुने नहीं होंगे। दिल ही
दुखाने के लिए रंजिश ऐसे किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, तू मुझसे खफा है तो जमाने के लिए रंजिश सही। वैसे तो सभी ने मुझे बदनाम किया है। ये जो एक नया शेर है पेश करने की कोशिश कर रहा हूं। वैसे तो सभी ने मुझे बदनाम किया है, वैसे तो सभी ने मुझे बदनाम किया है, तू भी कोई इल्जाम लगाने के लिए सही, तू भी कोई इल्जाम लगाने के लिए रंजिश सही, दिल ही दुखाने के लिए और एक आखिरी शेर पेश कर रहा हूँ जो मेरे दोस्त ने लिखा है, सौरभ सिरसागर, उसने लिखा है और मैंने उसे गाया था। तो स्वागत। कोशिश ना खुद की खबर है ना दुनिया का पता है, ना खुद की खबर है मुझे न दुनिया का पता है, ना खुद की खबर है मुझे न दुनिया का पता है, मैं कौन हूँ मुझको बताने के लिए मैं कौन हूँ ये मुझको बताने के लिए रंजिश सही, दिल ही दुखाने के लिए रंजिश सही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सुंदर, बहुत शानदार। मेरे पास तो, मैं निःशब्द हूँ, कुछ कह नहीं सकती।
इतना आपने मन मोह लिया, आई थिंक सारे दर्शकों का और हम लोग जो आपके संग बैठे हैं स्टूडियो में इस समय जूम स्ट्रीम यार्ड से जुड़े हैं, एंड बिल्कुल निःशब्द हूँ मैं, पर बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर आपकी आवाज़ और गायकी। अनुराधा जी, आप कुछ कहना चाहती हैं उनके लिए, अमित जी के लिए, तो अपने को अनम्यूट कर लीजिए। रागिनी जी से, सॉरी रागिनी जी। हाँ, अमित जी ने बहुत ही अच्छी गायकी में जितनी भी प्रस्तुतियां दी, सचमुच में लाजवाब और बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। बिल्कुल कोई शक नहीं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया था मुझे इस मंच पे बुलाने के लिए, और एक दो मेरी छोटी सी गज़लें मैंने कोशिश जो की है वो आपने मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत धन्यवाद अमित जी। पर आपको कुछ दर्शकों के कमेंट्स बता दूं, आपके मित्र साजिद जी जिनका कमेंट अब ऊपर चला गया है, उन्होंने भी लिखा कि आप स्कूल डेज से उन लोगों को मंत्रमुग्ध कर रहे हैं अपनी गायकी से। तो ये जान के बहुत ही अच्छा लगा कि आपके स्कूल डेज के फ्रेंड्स भी इस समय जुड़े हुए हैं और आपको सुना उन लोगों ने और एंजॉय किया। उसके अलावा ममता सक्सेना, सत्या गंभीर जी, निवेदिता श्रीवास्तव जी, सविता मित्तल जी, पूनम शर्मा एंड साजिद दालवी, सभी कमेंट कर रहे हैं और बहुत सबने पसंद किया, इसमें तो कोई शक नहीं। तो बहुत ही अच्छा ये प्रथम जो हाफ हम लोगों का प्रोग्राम था, बहुत ही सुंदर रहा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मुझे बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, आपको जाना है तो इसलिए थैंक यू वेरी मच, बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे जी, अवश्य, अगर अनिवेता जी ऐसा मौका फिर से हम लोगों को देंगी तो अवश्य। थैंक यू, यू वेलकम। तो अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ और अब हम बहुत ही आदर और सम्मान से आदरणीय रागिनी भूषण जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। तो आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए। और ये हमारे साथ भारत से जुड़ी हैं, हमको कहना चाहिए डॉक्टर रागिनी भूषण जी। ये कोल्हान विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के अध्यक्ष से सेवानिवृत्त हैं और इनके पुस्तकों का भी ये लेखन संपादन कर चुकी हैं, करती हैं, और आकाशवाणी और दूरदर्शन से इनके प्रसारण होते रहते हैं। भारतीय शिक्षण मंडल की प्रांतीय उपाध्यक्ष हैं, तो बहुत ही सम्मानित साहित्यकार हैं और गजलें लिखती हैं। तो अब मैं उनसे आग्रह करूंगी, अनुरोध करती हूं कि आप आएं और अपनी एक प्रस्तुति दें। धन्यवाद मधु जी। मैं अपनी बात एक मुक्तक से प्रारंभ करती हूं, जो मैं एक गजल सुनाऊंगी या जैसे आप कहेंगी। तो मैं पहले एक मुक्तक से और अपने ही लिखी गजल से प्रारंभ करती हूं। जी स्वागत, और ये तो बहुत अच्छी बात है, ये एक साहित्यिक मंच है, तो आप अपनी स्वरचित गजल सुनाने जा रहे हैं, बड़ा बड़ी बात क्या हो सकती है, तो बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। किया है इश्क तो लेकिन निभाना ही नहीं आया, किया है इश्क लेकिन तो निभाना ही नहीं आया, शबे उल्फत सितारे तोड़ लाना ही नहीं आया, शमा लड़ती रही तन्हा अंधेरों से जमाने में, क्षमा लड़ती रही तन्हा अंधेरों से जमाने में, उसे दावा
उजालों से जताना ही नहीं आया, उसे दावा उजालों से जताना ही नहीं आया। एक गजल मेरी अपनी लिखी हुई। जी स्वागत है आपका, स्वागत। प्रेम की बगिया में क्यों पतझर उगा है, प्रेम की बगिया में क्यों पतझर उगा है, नाम फूलों के ये तीर किसने ठगा है, आँख लेटी मखमली सपने बिछाए, आँख लेटी मखमली सपने बिछाए, रश्मियाँ पहने नया सूरज दिखा है, रश्मियाँ पहने नया सूरज दिखा है, प्रेम की में क्यों पतझर उगा है, चाहतों ने फिर संवारा, चाहतों ने फिर संवारा आईने को, चाहतों ने फिर सवारा आईने को, प्रीत का मन दे हरी पे जा लगा है, प्रीत का मन दे हरी पे जा लगा है अंदेसा साजिशों का गुलसिता को, है अंदेसा साजिशों का गुलसितां को, बुलबुलों का चहचहाना थम गया है, बुलबुलों का चहचहाना थम गया है, कब धुले हैं दाग, कब धुले हैं दाग दिल के आंसुओं से, कब धुले हैं दाग दिल के आंसुओं से, जख्म सीने पर निशानी में मिला है, जख्म सीने पर निशानी में मिला है, साथ है पर है नहीं साथी कहीं भी, साथ है पर साथ है
पर है नहीं साथी कहीं भी, दूर तक तन्हाइयों का सिलसिला है, दूर तक तन्हाइयों का सिलसिला है। मक्तब किस मरज में किस मरज में फंस गई है जिंदगानी, किस मरज में फंस गई है जिंदगानी, कौन सा आसेब सांसों को लगा है, कौन सा आसेब सांसों को लगा है, प्रेम की बगिया में क्यों पतझर उगा है, नाम फूलों के ये किसने फिर ठगा है। धन्यवाद। लाजवाब रागनी जी, बहुत सुंदर, आपका मुक्तक भी बहुत सुंदर था और आपकी गजल तो बिल्कुल शानदार, लाजवाब, मैं क्या कहूँ। और सारे दर्शकों ने बहुत ज्यादा पसंद किया है आपकी गजल को, और ये स्वरचित है, बहुत बड़ी बात है, साहित्यिक मंच को आपने वो स्वरचित गजल सुनाया, बहुत अच्छा लगा। अनुराधा सैनी जी कह रही हैं, दूर तक तन्हाइयों का सिलसिला है। सत्या गंभीर जी मौजूद हैं, वो कह रही हैं, सुंदर अभिव्यक्ति, भाव भाव पुराण शहद। मंजू श्रीवास्तव जी का भी बहुत स्वागत करती हूँ, वो कह रही हैं, लाजवाब लाजवाब लाजवाब। नीलम प्रभा देवगन जी जुड़ी हुई हैं, दिल को छूती हुई पेशकश। अनुराधा जी कह रही हैं, गजल का हर शेर बहुत सुंदर। ब्रिज बाला गुप्ता जी का भी स्वागत करती हूँ। निशि सिंह कह रही हैं, वाह वाह, तो सभी ने बहुत ज्यादा पसंद किया आपकी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, धन्यवाद जी। तो अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ और आप कुछ पेशकश कीजिए मधु जी। जी, तो जैसा निवेदन जी ने कहा था आपके बाद, फिर मैं ऐसे, अमित जी तो अब नहीं है तो इस समय मौजूद, तो मैं एक फयाज हाशमी जी की ये गजल है, आज जाने की जिद ना करो। वाह, बहुत सुंदर गजल है, बहुत स्वागत है आपका। पर मैं आपको बता रही हूँ, मैं अमित केलकर जी आपकी तरह प्रोफेशनल सिंगर बिल्कुल नहीं हूँ। मैंने हाई स्कूल इंटर में म्यूजिक थोड़ा सीखा था क्लासिकल, पर उसके बाद बहुत दिनों तक गैप आ जाता है, शादी हुई। प्रोफेशनल मैं भी नहीं हूँ। मैंने भी 73 के बाद कुछ नहीं सीखा। सभी के साथ ऐसा ही कुछ होता है, पर मैं कोशिश करूंगी जरूर। एकदम एकदम, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद रागनी जी, इरशाद है, धन्यवाद। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही
जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो, तुम ही सोचो जरा क्यों न रोके तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुमको अपनी कसम जाने जा, बात इतनी मेरी मान लो, आज जाने की चंद घड़ियां यही हैं जो आजाद हैं, चंद घड़ियां यही हैं जो आजाद हैं, इनको खो कर मेरी जाने जा, जाने की जिद ना करो, कितना मासूम रंगीन है ये समा, हुस्न और इश्क की आज मेरा जाने की जिद ना करो। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, और इतनी मीठी आवाज है आपकी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ऊपर स्केल में आप ले गई हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया रागनी जी, बहुत सुंदर गाया आपने। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हमारे दर्शकों ने भी शायद कुछ तो कमेंट्स भी बहुत अच्छे अच्छे कमेंट में पढ़ रही थी। जी जी, तो आगे कार्यक्रम को बढ़ाती हूँ, और रागनी जी अब आप अपनी अगली प्रस्तुति दीजिए। अगर आप सिनेमा का गाना चाहती हैं या स्वरचित, आपकी चॉइस है, आप बताइए। मैं तो अपनी भी गजल लाई हूँ और सिनेमा की गजल भी लाई हूँ, तो क्यों ना सिनेमा वाली सुना दीजिए इस बार। अच्छा ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्राइवेट गजल है, मैं
भूल गई हूँ नाम जिनका जिन्होंने ये लिखी है। जी आकर के मेरी कब्र पर, आकर के मेरी कब्र पर तुमने जो मुस्कुरा दिया, आकर के मेरी कब्र पर तुमने जो मुस्कुरा दिया, बिजली चमककर गिर पड़ी, सारा कफन जला दिया, आकर के मेरी कब्र पर सो रही थी चैन से ओढ़े कफन मजार में, ओढ़े कफन मजार में यहाँ भी सताने आ गए, यहाँ भी सताने आ गए, किसने पता बता दिया, आकर के मेरी कब्र पर तुमने जो मुस्कुरा दिया, आकर के मेरी कब्र पर सो रही थी चैन से ओढ़े कफन मजार में, ओढ़े कफन मजार में किसने चढ़ाए आकर के फूल, कातिल था कौन बागबां, कातिल था कौन बागबां, उजड़े हुए मजार में, उजड़े हुए मजार में किसने दिया जला दिया, आकर के मेरी कब्र पर तुम्हारा हमारा फैसला होगा खुदा के सामने, होगा खुदा के सामने, तुमने भी तेग खींच ली, तुमने भी तेग खींच ली, हमने भी सर झुका दिया, आकर के मेरी कब्र पर तुमने जो मुस्कुरा दिया, बिजली चमककर गिर पड़ी, सारा कफन जला दिया। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर रागनी जी, और सभी दर्शकों को भी बहुत पसंद आई है आपकी गजल। बहुत उम्दा कह रही हैं ब्रिजबाला गुप्ता जी,
शोभना तनेजा जी कह रही है लाजवाब, सविता मित्तल दीदी कह रही है लाजवाब, पूनम शर्मा जी भी बहुत तारीफ कर रही है, कह रही है जवाब नहीं आपका, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपना कीमती समय दिया आज हम लोगों को सुनने के लिए। तो अब बस 5 मिनट बचे हैं, तो अंत में मैं एक गजल सुना देती हूँ और फिर हम लोगों का समय भी पूरा होने वाला है। तो ये ममता, धन्यवाद आपका, ममता मूवी का की गजल है, लता मंगेशकर जी ने गाया है और इसकी संगीत दिया है रोशन ने, मजरू सुल्तानपुरी के लिरिक्स हैं इसमें। रहते थे कभी जिनके दिल में हम जान से भी प्यारों की तरह, बैठे हैं उन्हीं के कूचे में हम आज गुनहगारों की तरह, हम आज गुनहगारों की तरह। रहते थे कभी जिनके दिल में दावा था जिन्हें हम दर्दी का, खुद आके न पूछा हाल कभी, खुद आके न पूछा हाल कभी। महफिल में बुलाया है हम पे, महफिल में बुलाया है हम पे, हंसने को सितमगारों की तरह, हंसने को सितम गारों की तरह। रहते थे कभी जिनके दिल में बरसों के सुलगते तन मन पर, अश्कों के तो छींटे दे न सके, अश्कों के तो छींटे दे न सके, तपते हुए दिल के जख्मों पर, तपते हुए दिल के जख्मों पर, बरसे भी तो अंगारों की तरह, बरसे भी तो अंगारों की तरह। रहते थे कभी जिनके दिल में सौ रूप भरे जीने के लिए, बैठे हैं हजारों जहर पिए, बैठे हैं हजारों जहर पिए, ठोकर न लगाना हम खुद हैं, ठोकर न लगाना हम खुद हैं, गिरती हुई दीवारों की तरह, गिरती हुई दीवारों की तरह। रहते
बहुत सुंदर मधु जी, बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद रागनी जी। और दर्शकों का भी बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। इन निवेता जी ने काफी मैसेजेस यहाँ हाईलाइट किए हैं, तो निवेता जी का मैं अंत में बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने ये गजलों की शाम प्रोग्राम का आज पहला एपिसोड में हम तीनों को बुलाया, अमित जी, केलकर जी, रागनी भूषण जी, और मुझे भी चांस मिला। मैं तो एमेचर सिंगर हूँ पर चांस मिल गया तो बहुत आभारी हूँ उसके लिए। और मैं सभी दर्शकों का बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, आप लोग शुरू से अंत तक जुड़े हुए हैं। शोभना तनेजा जी, कुलभूषण चौधरी जी, निवेता श्रीवास्तव जी, एंड निवेता चक्रवर्ती जी भी जुड़ी हुई हैं, और प्रमिला अग्रवाल, सविता मित्तल दीदी एंड मंजू श्रीवास्तव जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में रागनी जी, आपको बहुत सादर प्रणाम। आप इतना सुंदर, बहुत धन्यवाद, मैं तो पहली बार आपके मंच से जुड़ी हुई जी, बहुत अच्छा लगा आपको सुनकर के, और आपने सारी प्रस्तुतियां आपकी एक से एक बढ़कर थी। तो अब समय को ध्यान रखते हुए कार्यक्रम का अंत करती हूँ, और बहुत धन्यवाद।